हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट हॉरर मल्टीप्लेयर गेम्स। इन गेम्स को खेलते वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा डर लगेगा, पर अच्छी बात यह है कि इन गेम्स को आप दोस्तों के साथ भी खेल सकेंगे, जिससे डर शायद थोड़ा कम हो जाए। इस वीडियो के सारे गेम्स हाई ग्राफिक्स के होंगे और ज़्यादातर डिवाइसेस मेजरली वर्क भी करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस जल्दी से मिल जाए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं 5th नंबर वाले गेम के बारे में, जिसका नाम है द गोस्ट। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन रहने वाला है। गेम का जो साइज है वो 614 MB रहेगा। गेम की स्टोरी काफ़ी यूनिक है। गेम में आपको दो टीम्स में बांट दिया जाता है, जिसमें एक टीम सर्वाइवर्स और दूसरी टीम गोस्ट की होती है। जो सर्वाइवर्स की टीम में होता है उन्हें पजल्स को सॉल्व करके गोस्ट की टीम से बचना होता है, और जो गोस्ट की टीम में होता है उन्हें सर्वाइवर्स की टीम को मारना होता है और उन्हें एस्केप करने से रोकना होता है। गेम में डिफरेंट लोकेशंस को डाला गया है। गेम में 3 लोकेशंस होती है, जिसमें हॉस्पिटल, स्कूल और एक अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है। गेम में ऑनलाइन मल्टीप्लेयर होता है, जो कि 5 प्लेयर्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा गेम में वॉइस चैट और लोकल मल्टीप्लेयर का भी फीचर आपको देखने को मिलता है। तो गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं माय लिस्ट के नंबर 4th वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है आइडेंटिटी 5। गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन रहने वाला है। गेम का जो साइज है वो 2.9 GB रहेगा। गेम के कैरेक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं। हर कैरेक्टर की डिफरेंट पावर्स भी होती है। गेम की स्टोरी की बात करें तो आप शुरू में एक डिटेक्टिव को प्ले करते हैं, जिसे एक मिस्टीरियस लेटर मिलता है, जिसमें उसे एक बंद पड़ी हुई हवेली को इन्वेस्टिगेट और एक खोई हुई लड़की को ढूंढना होता है। जैसे जैसे आपको सच का पता लगने लगता है, आपको कुछ ऐसा पता चलता है जो कि काफ़ी डरावना होता है। गेम में 4 सर्वाइवर्स और एक मॉन्स्टर होता है। सर्वाइवर्स का काम मॉन्स्टर से बचकर जनरेटर्स को एक्टिवेट करना होता है, और मॉन्स्टर का काम अपनी पावर्स को यूज करके सर्वाइवर्स को कैप्चर करना है, जो कि काफ़ी मज़ेदार होता है। ऑफकोर्स आप मॉन्स्टर भी बन सकते हैं। तो गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 3rd वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है स्पेसिमैन 0। गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन रहने वाला है। गेम का जो साइज है वो 160 MB रहेगा। गेम की ग्राफिक्स बहुत अच्छी है और गेम के साउंड इफेक्ट्स भी काफ़ी बढ़िया है। गेम में आपको बहुत बड़ा मैप देखने को मिलता है। गेम के पजल्स भी काफ़ी मज़ेदार है। गेम की स्टोरी की बात करें तो आपको किसी ने किडनैप करके एक अजीब सी जगह पर छोड़ दिया है, जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है। पर जो चीज़ गेम को ज़्यादा डरावनी बनाती है वो ये है कि एक भयानक क्रिएचर भी इस जगह पर होता है, जिससे आपको बचना होता है। गेम में मल्टीपल लोकेशंस को डाला गया है, जिसमें एक डरावना हॉस्पिटल और एक डार्क फॉरेस्ट शामिल है। गेम काफ़ी ज़्यादा डरावना है, इसलिए जिनकी एज 17 साल से कम है वो इस गेम को ना खेले। तो गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं माय लिस्ट के नंबर 2nd वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है मिमिक्री ऑनलाइन। गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन रहने वाला है। गेम का जो साइज है वो 88 MB रहेगा। गेम की ग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया है। गेम की स्टोरी भी बढ़िया है। गेम की स्टोरी की शुरुआत होती है जैक से, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को जंगलों में ढूंढ रहा होता है, और जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में जाता है, तब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और उसे उन भयानक खतरों का सामना करना पड़ता है। गेम में 9 प्लेयर्स की टीम होती है, जिसमें कोई एक प्लेयर किसी एलियन क्रिएचर से इन्फेक्ट हो जाता है और मॉन्स्टर में बदल जाता है। अब बाकी के प्लेयर्स को उस लोकेशन से निकलना पड़ता है, क्योंकि मॉन्स्टर एक एक करके सबको मार डालेगा। गेम में आपको बड़ा ओपन वर्ल्ड देखने को मिलता है, और गेम में वॉइस चैट का भी फीचर है, जो कि काफ़ी मज़ेदार होता है। तो गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं माय लिस्ट के नंबर 1st वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है आइस द हॉरर। गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन रहने वाला है। गेम का जो साइज है वो सिर्फ 75 MB रहेगा। गेम की ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और एनिमेशंस भी काफ़ी स्मूथ है। गेम का एटमोसफियर अच्छा है। गेम के कंट्रोल्स भी आसान है। गेम में ज़्यादा स्टोरी तो नहीं है, बस आपको एक मैंसन में मनी बैग्स को कलेक्ट करना होता है। पर इसमें ट्विस्ट ये है कि आपको गोश्त से बचते हुए इन बैग्स को कलेक्ट करना होता है, और ये गोश्त काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। गेम के जंप स्केयर्स बढ़िया है। गेम में डिफरेंट लोकेशंस भी होती है, जिसमें एक ओल्ड हॉन्टेड हाउस, एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल और एक तबाह हुआ स्कूल शामिल है,
ओवरऑल आपको इसे खेलने में मज़ा ज़रूर आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।